हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का चैप्टर सेकंड का एक क्वेश्चन करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो इस क्वेश्चन के हम पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर समझते हैं इसमें क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है हमें, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन की बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मेथड से करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 5x + 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α⁻⁻⁻ + β⁻⁻⁻⁻। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन हमें दी गई है 2x² - 5x + 7। तो पहले तो हम इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है उसको हम लिखते हैं 2x² - 5x + 7। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। यहाँ से हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इस वाली जो पॉलिनोमियल को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करना है और इसके कोफिशेंट फाइंड करने हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 2। और यहाँ से अगर b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है -5। और c की वैल्यू इसी तरह से क्या आएगी, कांस्टेंट जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 7। तो हमें अब कोफिशेंट वाला मेथड पता है कि क्या होता है, कि सम ऑफ ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल होता है, इनके कोफिशेंट की रेशियो के इक्वल होता है, वो क्या होता है, -b/a। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड करना चाहें, तो जो हमको जीरोस गिवन है, इसमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो इसमें देखेंगे तो जो जीरोस हमें गिवन है वो अल्फ़ा गिवन है और बीटा गिवन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। तो α+β = -b/a इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ से अगर देखें तो बी की वैल्यू कितनी थी, हमने कितनी फाइंड की थी, -5, और ए की वैल्यू कितनी थी, 2। आप इस स्लाइड पे जाके देख सकते हो, ए की वैल्यू कितनी है, 2, बी की वैल्यू कितनी है, -5। तो इसको मैंने वहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। जब वहाँ पे मैंने इसको पुट किया है तो आपको देखना होगा कि -5/2, बट इसके बी के साथ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो इस माइनस को भी हम ब्रैकेट यूज़ करके इसके आगे यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लगा लेंगे। तो माइनस माइनस, अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 5/2। इसी प्रकार से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो होता है c/a। कांस्टेंट और a का, a की जो वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट होता है, जो a की वैल्यू है उसकी रेशियो। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू है हमारे पास 7 और a की वैल्यू कितनी है, 2। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल हो गया, 7/2 के। अब हमने फाइंड क्या करना है, देखो हमने फाइंड करना है α⁻⁻⁻ + β⁻⁻⁻। इसको सॉल्व करना है, तो देखोगे तो अल्फ़ा की पावर भी नेगेटिव है, बीटा की पावर भी नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1/α + 1/β। अब एलसीएम लेकर हम इसको अगर ऐड करें तो अल्फ़ा और बीटा का जो एलसीएम आएगा वो आएगा अल्फ़ा बीटा, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट होगी, इसका एलसीएम अल्फ़ा बीटा। और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इस तरह से, तो अल्फ़ा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फ़ा आ जाएगा, और बीटा को अगर 1 से करेंगे तो बीटा आएगा। तो α+β/αβ आ गया। अब हमने देखो α+β इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी है देखो, यहाँ पे α+β की वैल्यू है 5/2, और α⁻⁻⁻ यानी कि α⁻⁻ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7/2। तो इसको हम जस्ट उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो α+β की जगह पे हम रख देना है 5/2, और α⁻⁻ की जगह पे पुट करेंगे 7/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 5/2। देखो जो ये 2 है ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और जो ये 2 और 7 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो ऐसे लिख दिया मैंने, 2 से 2 यहाँ कैंसिल होगा, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 5/7। यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू जो -1 है प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/7। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो अच्छी तरह से, और वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खुद लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।